हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आपको मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। मैं आज आप सबको सिर्फ बधाइयां देने नहीं आई हूँ, मैं आज आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि अपने लाइफ को सफल कैसे बनाए, अपने लाइफ को भी नए साल की तरह सफल कैसे बनाए, आपको क्या मुकाम पाना है, अपने लाइफ में क्या बनना है, कैसे बनना है, इसके बारे में आज हम बात करेगी इस वीडियो में। 2022 में अपने लाइफ में हमें क्या बनना है, क्यों बनना है, कैसे बनना है, सफल कैसे होना है, मुकाम कैसे हासिल करना है, नए साल में नई तरह अपने लाइफ को कैसे मोटिवेट करना है, इसके बारे में आज हम इस मोटिवेशन वीडियो में कुछ जानते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें करते हैं। नए साल में आपको अपने आप से एक वादा करना पड़ेगा कि मुझे इतना शक्तिशाली होना है कि मुझे सफल होने से कोई रोक ना पाए, कोई टोक ना पाए, और मैं नए साल में जिस भी व्यक्ति से मिलूंगा उससे अच्छे से बात करूंगा, उसके स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करूंगा। किसी की सफलता से कभी भी नहीं जलना चाहिए। आपको क्या पता कि उनकी लाइफ में क्या चालू है, आप तो उन्हें सिर्फ बाहर देख रहे हो, पर अंदर उनकी लाइफ में क्या चालू है आपको नहीं पता होगा। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को जज करें। आपने गए साल में क्या गलतियां की है, उस गलती को सुधारने की कोशिश करो और नए साल की नए तरह से शुरुआत करो। लेकिन आपको सफल होने के लिए पहले अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा, अपने आप से कहना पड़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। खुद को इतना ज्यादा मोटिवेट करो कि आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाए। और अगर आपको सच में सफल होना है तो ये सोचो, किसी को भी आपकी परवाह नहीं है, आप ऐसे एकमात्र व्यक्ति हो जो अपने आप को खुश रख सकते हो, अपने आप की देखभाल कर सकते हो। इसीलिए किसी के साथ किसी को कंपेयर ना करे या आपको किसी के साथ कंपेयर ना करे, आपको सबसे अपने आप को ऊपर रखना है। कई लोग आपके जीवन में आएंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे और समय के बाद छोड़ देंगे, इसीलिए सोच समझ के किसी के साथ रिश्ता बनाएं। नए साल की शुरुआत ऐसे करें, अपनी लाइफ में आप जिस चीज के लिए जी रहे हो उसे अपना परिवार बना ले, उसे आपकी जिंदगी बना ले। अपने माता पिता के साथ वक्त गुजारे, उनके साथ बातें करे, अपने माता पिता का ख्याल रखे और अपने माता पिता को सबसे ऊपर रखे। कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ ना कीजिए, वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे सब सोचना और करना बंद कर दीजिए। हर किसी का अपना तरीका होता है यार अपनी लाइफ को जीने का। आपने सिर्फ उनको बाहर से देखा है पर उनकी रियल लाइफ में क्या चल रहा है आपको थोड़ी ना पता है। इसीलिए आपकी तुलना या किसी की तुलना किसी से ना करें। अपने जीवन को, अपने सेल्फ मोटिवेट को सबसे आगे रखें। जो कोई भी आपका चिंता या दुख का कारण बना हुआ है वो हमेशा आपका चिंता, दर्द या दुख का कारण नहीं बना रहेगा। समय के साथ चीज बदल जाती है, वो भी बदल जाएगा। दूसरों की मदद हमेशा करना, यही तो आपका सबसे बड़ा सुख है और आपको अच्छा भी लगता है। और स्वीकार करें कि आपको हमेशा वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, इसको तो लाइफ कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हो, पर ये फर्क जरूर पड़ता है कि आप क्यों करते हो और कैसे करते हो। कभी कभी चीजें आप जैसा चाहते हो वैसी नहीं होती, और ये बिल्कुल सच बात है। इसीलिए जो है उसे स्वीकार करें। आपका जो भी अतीत है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें और याद रखें कि वो आपका अतीत था और ये आपका भविष्य है। इसी तरह नए साल की नए तरह से शुरुआत करो और आपकी लाइफ में जो भी हो उससे ज्यादा उम्मीद ना रखें। बहुत ज्यादा उम्मीद रखने से वो उम्मीद टूट भी जाती है, इसीलिए अपने आप पर उम्मीद रखें और उसे करने के लिए दिन रात मेहनत करें। जीत तो आपको मिलनी है। याद रखना कि आपके पास हर चीजों का सलूशन होता है, पर कभी भी अपने आप का भरोसा टूटने मत देना। अगर आपके मन में कभी भी कुछ चल रहा हो या रोने का मन कर रहा हो तो रो लो, इसमें कोई बेइज्जत या शर्म वाली बात नहीं है। और ये सोचो कि दुख को कभी भी दुख नहीं होता। अपने आप को कभी भी ज्यादा से ज्यादा किसी के लिए उपलब्ध ना रखे, और आप ऐसे ही करते रहोगे तो आपका महत्व अपने आप कम हो जाएगा और आपका महत्व आप खुद कम कर रहे होगे।
और सामने वालों की नजरों में भी आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। आप नए साल में सफल होना चाहते हो या औरों से बेटर बनना चाहते हो तो अपना एक गोल बनाओ, जैसे कि रोज सुबह जल्दी उठे, रोज वर्कआउट करे, एक्सरसाइज करे, नया कुछ सीखने का प्रयास करे, रोज 10 पेज पढ़े, बेकार का समय मोबाइल में बर्बाद ना करे और अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक चीजों से दूर रखने की कोशिश कर। एक साइड इनकम शुरू करो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बनने की कोशिश करो, पैसे को जोड़ना सीखो। नए साल में आपका जो भी गोल है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, और ये सोचने के लिए 1 जनवरी नहीं बल्कि 1 मंथ पहले ही स्टार्ट कर दो। नए साल में कुछ ऐसा करो कि आपने कभी भी नहीं सोचा होगा और अपने आप को ऐसा बनाओ कि आपको कोई भी हरा ना पाए। सपने देखो पर उस काम को करना शुरू कर दो। नए साल को अपना बना लो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे नए साल में कुछ नया करना है, मुझे सफल होना है, मुझे आगे बढ़ना है। और ये सोचे कि मैंने अपनी लाइफ को सफल होने के लिए कुछ सोचा है तो मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। पूछो अपने आप से कि मैं भी सफल बन सकता हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मैं भी उन टॉपर में से एक आ सकता हूँ, पढ़ूंगा, लिखूंगा, सब कुछ करूंगा और हर एक नए साल में और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। मेहनत इतनी खामोशी से करे कि सफलता शोर मचा दे। और नशा सिर्फ मेहनत का करो ताकि आपकी बीमारी सक्सेस वाली हो, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए पहले आप अपने आप पर विश्वास रखें और ये सोचे कि जिंदगी का सफर जितना मुश्किल होगा मंजिल उतनी ही हसीन होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी नए साल का एक गोल बनाओ और उससे करने के लिए जुट जाओ।